तो हे गाइस वेलकम बैक। और हमारे 90 पॉइंट्स हो चुके थे, हम लेंगे दूसरे 15 पॉइंट्स बाय सॉल्विंग दिस कैलकुलेट द nth टर्म प्रॉब्लम और हमें मिल जाएगा 3 स्टार आज। सो ये उसकी खुशी में और ऑब्जेक्टिव आप पढ़ सकते हो कि रिकर्शन का समझा है, रिकर्शन कैसे यूज़ होता है, रिकर्शन यानी फंक्शन को फंक्शन के अंदर रिकॉल करना उसी को दोबारा। टास्क है हमारे पास सीरीज एज वेयर द नेक्स्ट टर्म इज द सम ऑफ प्रीवियस 3 टर्म्स गिवन द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीरीज ए बी सी, यू हैव टू आउटपुट द nth टर्म ऑफ द सीरीज यूजिंग रिकर्शन। और ये हमारे पास एक चार्ट है वो हमें करना है। इनपुट फॉर्मेट क्या है, फर्स्ट लाइन कंटेंट्स n और नेक्स्ट 3 लाइन कंटेंट्स ए बी सी। और ये हमारे चार्ट आपको समझ लो, अदरवाइज 3 बार लेने हैं, एस ऑफ एन माइनस 1, एस ऑफ एन माइनस 2 और एस ऑफ एन माइनस 3। और n1 हुआ तो a, n2 हुआ तो b, n3 हुआ तो c। तो कंस्ट्रेंट्स है हमारे पास n1 टू 20 और abc 1 टू 100। आउटपुट फॉर्मेट nth टर्म ऑफ द सीरीज sn, सिंपल इनपुट दिया है जैसे कि 5n हुआ और 1 टू 3 abc हुआ, तो a1 b2 c3। और उसके बाद क्या होगा देखो, इधर s11 है, s22 और s33, फिर s4 होगा s3 प्लस s2 प्लस s1 और s5 होगा s4 प्लस s3 प्लस s2। तो इसमें आउटपुट 11 आएगा। तो हम कोड लिखते हैं, कोड में देखो मेन का फंक्शन उन्होंने लिख के दिया है, n abc दे दिया है और abc को पास करा दिया फाइंड n टर्म वाले फंक्शन में। हमको सिर्फ फंक्शन मॉडिफाई करना है। तो कैसे करेंगे वो, सबसे पहले इफ लिखेंगे हम, इस टेबल का यूज़ करेंगे। देखो n1 हो तो a आर्म था ये रिटर्न में, n2 हो तो b, n3 हो तो c। तो पहले वो लिख लेते हैं कि इफ n n=1 तो रिटर्न ए, और इसी को मैं कॉपी पेस्ट करूँगा। तो कॉपी पेस्ट में आई दे गया ना, तो ये हो गया। इधर मुझे चेंजेस करना पड़ेगा सी, और इधर भी, इधर n1 था तो अभी n2 आ गया और इधर n3 आ गया। ये हो गया हमारे पास, n1 हो तो a, ये टेबल के हिसाब से n1 हो तो a, n2 हो तो b, n3 हो तो c। और अदरवाइज यानी else आएगा s ऑफ n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3। तो इधर else लिख लेंगे और मैं इधर int f बनाऊंगा और मैं इधर लिखूंगा f इक्वल्स टू find, ये आ गया, मैं टैप कर लूंगा और इसको n-1 करूँगा। ये हमें int नहीं चाहिए अभी, ठीक है। n-1 किया, a किया, b किया, c किया, फिर से find लिखूँगा tab, फिर से ओके मैंने ये कर दिया, फिर से मैं क्या करूँगा n-2, ठीक है, और फिर ये int हटा दूँगा और फिर प्लस, फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं फाइन लिखूँगा फिर से और इधर अब क्या आ जाएगा, ओके कंट्रोल सेड, इधर आएगा n-3, ये सब बता दूँगा मैं फिर से और ओके इधर सेमी कॉलन और फिर रिटर्न एफ। ये हो गया, तो कंट्रोल कर लीजिए थे सब, चार कंडीशन आ गई थी। तो सैंपल टेस्ट केस पास हो गया, सबमिट कर लेते हैं। सबमिट में 11 टेस्ट केस ओके, सब के सब पास हो चुके हैं, हमें 15 पॉइंट मिल चुके हैं और हम हो गए हैं 3 स्टार कोडर इन हैकरेक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, 3 स्टार हो गए उसकी खुशी मनाओ, ठीक है, बाय बाय, सी या।